हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग फोर्टिस हेल्थ केयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये फोर्टिस हेल्थ केयर के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड आवर सेकेंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी के टेक्निकल्स कंपनी के बारे में क्या बता रही है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। बहुत ही पुरानी कंपनी है एंड इट इज़ अ लीडिंग इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 17,134 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 45.3 की PE है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 10.9% है कंपनी की ROCE एंड 6.15% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 17.5% है एंड वो नेगेटिव में है। लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 8.56% है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। तो प्रोज में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जून क्वार्टर में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। एंड अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है दोनों चीज़ें इस कंपनी में काफ़ी कम है। अर्निंग्स इंक्लूडिंग अदर इनकम ऑफ 366.52 करोड़। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी 1378 करोड़ के आसपास की सेल्स जनरेट किया है एंड 68 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर FY 2022 के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने 5718 करोड़ के आसपास की सेल्स जनरेट किया है एंड 55 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। FY 2022 में कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स के साथ साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट भी पोस्ट किया है। एंड अगर FY 2021 से कंपेयर किया जाए तो कंपनी जबरदस्त एक सेल्स ग्रोथ के साथ साथ एक जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे शो किया है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। कंपनी ने रिजर्व के साथ साथ डेट को रिड्यूस किया, सॉरी रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, मतलब ओवरऑल बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 212 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो डिटोरिएट होकर घट के नेगेटिव 166 करोड़ की हो चुकी है। अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIS ने अपनी होल्डिंग कम किया है एंड DIS ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। एंड एट द एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। इस कंपनी में राकेश झुंझुनवाला एंड SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 16.39% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो देखो गाइस, ओवरऑल मार्केट का जो कंडीशन है वो देखते हुए मैं आप लोगों को किसी भी कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करने के लिए मना करूंगा एज ऑफ नाउ। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में जाना चाहते हो तो एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आप लोग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो इन दिस कंपनी एंड इस कंपनी में राकेश झुंझुनवाला जी का भी होल्डिंग है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड शॉर्ट टर्म के लिए मैं किसी भी कंपनी को रिकमेंड नहीं करूंगा अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट कंडीशंस। तो इसलिए मैं इस कंपनी को भी शॉर्ट टर्म के लिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। बाकी अगर फ्यूचर में जाना चाहते हो, मार्केट जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा अगर तब जाना चाहते हो तो डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, लेकिन एज ऑफ नाउ कंपनी से दूर रहो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को मिल रहा है, तो आप लोग डेफिनेटली पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी आप लोग देखते हैं कि कंपनी के टेक्निकल्स कंपनी के बारे में कहाँ क्या बता रही है एंड कहाँ पे आप लोग बनेगी इस कंपनी में बेस्ट एंट्री फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चैट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज, कंपनी अभी जिस प्राइस पॉइंट पे ट्रेड कर रही है बहुत ही बढ़िया प्राइस पॉइंट है, एक सपोर्ट जोन के आसपास है, तो आप लोग डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लान कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि कुछ दिन और वेट कर लो, क्योंकि कंपनी अभी एक डाउन ट्रेंड में है और अगर पिछले कुछ दिनों में देखा आ जाए तो कंपनी में जबरदस्त सेलिंग हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो हो सकता है
कंपनी जो 220 रुपए की सपोर्ट है, 221 रुपए की सपोर्ट है, यहाँ से स्लिप कर जाए, एंड अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 182 रुपीस के आसपास। तो अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है तो मैक्सिमम चांस यही रहेगा कि कंपनी 180 रुपए तक की लेवल शो कर दे। अगर 180 रुपए तक की लेवल ये कंपनी शो कर देती है तो बेकार में क्यों आप लोग 220 रुपए के लेवल पे एंट्री लोगे। लेकिन अगर आप लोग वेट करते हो तो इसका एक डाउन साइड भी है। बाय चांस अगर कंपनी 221 रुपए के लेवल से रिवर्सल शो कर देती तो जिस प्राइस पॉइंट पे अभी आप लोग को ये कंपनी मिल रही है उससे भी महंगे भाव पे आपको खरीदना पड़ सकता है। अगर आप लोग एकदम स्ट्रेस फ्री एंट्री चाहते हो तो आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग कुछ दिन वेट करने के बाद एकदम बढ़िया सा एंट्री करना चाहते हो तो आप लोग 182 रुपीस के लेवल के लिए वेट कर सकते हो। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है, तो अगर वेट भी कर रहे हो तो डाउन साइड को कैलकुलेट करने के बाद ही वेट करना है आप लोगों को। तो गाइस ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जस्ट वेट फॉर द रिवर्सल। हो सकता है कंपनी 221 रुपए के लेवल से रिवर्सल शो करे, और ये भी हो सकता है कि कंपनी ऐसे स्लिप करके 182 रुपए के लेवल से रिवर्सल शो करे। रिवर्सल चाहे कंपनी कहीं से भी शो कर रही हो, रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग को एंट्री लेनी है फॉर द अपर टारगेट। अगर मान लेते कि 182 रुपए के लेवल से कंपनी रिवर्सल शो किया है, रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग को एंट्री लेनी है फॉर द टारगेट ऑफ 221 रुपीज़, एंड सेकेंड टारगेट होगा 256 रुपीज़ का। और वहीं पे अगर कंपनी 221 रुपए के लेवल से रिवर्सल शो कर देती है तो आप लोग का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 256 रुपीज़ का, सेकेंड टारगेट होगा 305 रुपए, ऑलमोस्ट 306 रुपए के लेवल। एज सिंपल एज दैट। इस कंपनी के हर एक इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, इस कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।